टू हैंड द माइक वैसे विशाल जी मुझे आपसे शुरुआत करनी है बिकॉज बहुत अरसा हो गया आपका इंटरव्यू लिए रेडियो पर पर यहां पे तो हम आपसे थोड़ी बातें एक दोस्तों को करना चाहेंगे आप वो इंसान हैं जो शायद सफेद के लिए थोड़ी थोड़ी, थोड़ी बातें करें फॉर द रंग इट सेल्फ एंड द फैक्ट दैट इफ यू कैन थैंक यू फॉर बिंग काइंड आई टेक दैट ये शाम आपके लिए सिग्निफिकेंट क्यों है क्योंकि मैं संदीप को बहुत ही सालों से जानता हूँ बहुत ही वक्त से और जब सफ़ेद के बारे में सुना तो संदीप ने मुझे आगे जब फर्स्ट कट दिखाया तो आगे एक्चुअली सरप्राइज इसने जिस तरह का काम किया है जिस तरीके से जिन एक्ट्रेस के साथ सबके साथ ही काम निकाला है और जैसे अभी सोनू बोल रहे थे ना जो म्यूज़िक चूज़ किया है सो so, मालूम था कि अच्छा करेगा पर इतना अच्छा करेगा ये तो थोड़ा हाँ Sir, बहुत, बहुत खूबसूरत <laughs> पूरा एक जो फील पूरी फिल्म का और जी, संगीत का जी. बहुत खूबसूरत है और I am, uh, you know, waiting किसके अभी next चीज़ क्या होने वाली है आपके लिए सफ़ेद अगर रंग पूछूं तो क्या मायने रखता है आई थिंक सब रंग हैं उसके अंदर जी तो सब रंग तो सब रंग जब एक साथ मिल जाते हैं सफेद हो जाता है और एक इमोशन जब आपने देखा फर्स्ट लुक देखा वो क्या था इफ वन वर्ड यू हैड टू डिस्क्राइब आई थिंक वो सफेद था कि जिसके अंदर सारे रंग हैं उस फिल्म के अंदर यू नो you know, हर तरह का इमोशन उसने कैप्चर करने की कोशिश की

तो पर रेखा रिजेक्ट कर देती थी तो मेरी पोएट्री <laughs> रिजेक्ट कर देती थी शी हैज बीन योर स्टोरी एडवाइजर इन इन मेनी वेज हैजंट शी नॉट आई मीन एडवाइजर फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ में है हर चीज यू नो बट उसके अंदर एक कंपोजर है एक लेवल का जिस जैसा उसकी hmm. रूह है जैसे सिंगिंग है जी. तो शी हैज दैट और जो रेखा के गुरुजी थे पंडित अमरनाथ जी वो बहुत बड़े कंपोजर थे oh. उनकी जो बंदिशें थी वो आमिर खान साहब के शागिद थे तो उनकी जो अपनी बंदिशें थी वो इतनी खूबसूरत हैं तो रेखा के पास वो है की, but, uh, you know, अच्छा ना करेतर तो <laughs> <laughs> so so, ये गाना शुरू किया था दो हजार छ में और दो हजार सोलह में कम्प्लीट हुआ तो दैट कैन टेल यू के दस साल लग गएर तो, जो विशाल ने कहा कि वो रूह से जहाँ जब जब जैसा जैसा लगा बट आई वॉज वेरी श्योर ऑफ दिस सॉन्ग और भी कुछ कुछ चीज़ें की हैं और संदीप को सिर्फ एक स्थाई अंतरा सुनाया स्थाई सुनाई एंड ऐसे ही प्ले किया एंड ही सेड ये मुझे चाहिए उसके बाद बाकी स्ट्रगल तो हमारी अलग रही <laughs> 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 आपको इस एल्बम में इसलिए गाना नहीं दिखेगा क्योंकि ये हमने अपने म्यूज़िक लेवल से लॉन्च किया अभी भी म्यूज़िकेट वॉज अ ड्रीम बट आई एम सो हैप्पी इन द वे ही इज़ और एडिटिंग में भी उसको एडिट टेबल पे भी इतना ख़ूबसूरत उसको आ, पूरा फिल्माया गया है तो वो आई एम रियली प्राउड ऑफ संदीप आई थिंक स्माइल सा इस मोमेंट पे जो हम इतना ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं और इधर इतना ज़्यादा खुशी है इस रूम में आपके लिए क्या है ये ये इंटायर गैदरिंग देखिए मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि संदीप को म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा सेंस है एक होता है ज़्यादा सेंस एक होता है बहुत ज़्यादा और साथ साथ राइटिंग का भी ये कॉम्बिनेशन जिस प्रोड्यूसर डायरेक्टर के अंदर होगा वो कभी जिंदगी में फ़ेल नहीं हो सकता है कम से कम म्यूज़िक में तो कभी फेल नहीं हो सकता है ये बात तो पक्की हो गई अब आप आते हैं सफ़ेद के ऊपर क्योंकि वही सवाल आप मुझसे भी करोगे कि सफ़ेद आपकी नज़र में क्या है तो मेरी नज़र में वाइट पठानी है नंबर वन नंबर टू सफेद एक वो रंग है देखो सबका ध्यान अभी उधर जाएगा शुरुआत तो हमें पता नहीं लेकिन आखिरी वक्त में वो सफेद रंग ही है जो आपके साथ होता है चाहे वो किसी भी कास्ट का हो है ना तो ये तो बहुत बड़ा टाइटल है इस यूनिवर्स में किसी ने क्यों नहीं सोचा अभी तक तो वो सिर्फ संदीप ही सोच सकता है क्योंकि संदीप की सोच हम लोगों से बहुत आगे है मैं जितना जानता हूँ संदीप को ये तो कुछ नहीं है ट्रेलर है सच्चाई तो यही है अब संदीप जो ज़िंदगी में जो जो करने वाला है इसको रिकॉर्ड करना क्योंकि यही बात में दिखाना पड़ेगा आप लोग को ये आदमी इस हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आदमी बनेगा ये याद रखना मेरी बात और विशाल जी जैसे डायरेक्टर मेरे बाजू में खड़े हैं म्यूज़िक डायरेक्टर तो है ही वो यहाँ थोड़ी कंजूसी करूँगा मैं <laughs> नहीं बहुत अच्छे कंपोज़र और बहुत अच्छे डायरेक्टर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई रेखा जी मैंने संदीप से कहा था तो कहते हैं ना चार दीवारों के अंदर जो बात होती है वो सबके सामने बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए तो मैंने ये कहा था संदीप से कि रेखा जी के मैंने बहुत गाने सुने संदीप लेकिन ये पहला गाना है जो इतनी खूबसूरत वॉइस क्वालिटी इतना ज़बरदस्त फील इतना अच्छा कंपोज तो बाद में इसने बताया कि ये गाना कंपोज भी उन्होंने किया है ओ मैं बोला तभी मगर इतना अच्छा आपने रिकॉर्ड किया है उस गाने को तो आपने सब गाने बहुत अच्छे गाए ऐसा सोचना लेकिन ये गाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया जितने मैंने आपके आज तक गाने सुने थे तो ये क्रेडिट आप दोनों को ही जाता है संदीप और आप है ना क्योंकि अगर फाइनल जो ओके okay करता है ना उसके कान अच्छे होने बहुत ज़रूरी है वरना ओके okay वाले जो मार्केट में आजकल घूम रहे हैं ना वो सारा रायता बनाए घूम रहे <laughs> है ना आता कुछ नहीं है हाई फाई वाई आई 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 आया दिस इज ओके यू नो तो सब रायता उसी का है मगर सच्चाई ये है कि इस आदमी को बहुत सेंस है और सब राइटरों ने बहुत अच्छा लिखा है मैं अभी तक ये एल्बम नहीं नहीं तो पाँच से छः बार सुन चुका और पहली बार सुना तो मुझे मैं वही सोच रहा था कि रेखा जी का गाना किधर गया तो अभी पता चला कि ये तो अंदर की बात थी <laughs> तो चलिए ऑल द बेस्ट आपकी कंपनी के लिए भी यार मुझे भी चांस दो यार <laughs> यार घर ही घर में काम करोगे तो बाहर वालों का क्या होगा चलिए यहाँ पे ये वादा हो गया अब इसमायल भाई और मैं साथ में काम ओह माय गॉड आई सो ब्यूटीफुल मैं इनका इतना बड़ा फैन इनके जो गाने हैं cool, yeah. आंखों की गुस्ताखिया मतलब वो मैं कभी भी वो जब मेरा आ, मूड कुछ भी खराब होता है मैं वो गाना सुनता हूँ oh. हम दिल दे चुके सनम का क्रॉस लाइन जो आपने बनाई है वो वैसी क्रॉस लाइन मैंने आज तक किसी कंपोजर की नहीं सुनी है जहाँ से आप घूम के आते हैं वो इतना घूम के आके आपने कहाँ से कहाँ पे आप वापस आते हैं कि मैं तो रास्ता भूल जाता मैं तो घर चला जाता अपने <laughs> आप ऐसा वापस पहुँचते हैं उस पर आप बहुत बहुत ही बहुत खूबसूरत कम्पोजर है देखो आप घूम कर कम से कम घर आ गए मैं साला आज तक ढूंढ ही रहा हूँ कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ इतना ज़्यादा घुमा दिया मैंने घूम ही रहा हूँ Now we know how Avi gets his sense of humor. Sonu ji, I know I've already asked you to speak, but this point, because you are here, you have to say one more thing. If anything that you possibly have left out, what will happen? What will you want to say? No, sir. I have told you. 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 I I I think Sandeep told you. I have told you. he wants to save his words for the end. I'm, going to actually save you for later. Then I think. yes, G Gara sir, thank you. I think we need to actually, honestly, the man who got us Oscars. We need to stand at this moment. I honestly want you all to because our industry got revived because of this gentleman. He brought us the blockbusters, the the money, and the belief in the kind of projects you have produced, sir. Thank you, thank you, thank you. May Say me you. अच्छे वर्ड बोलने के लिए थैंक यू वेरी मच मुझे ज़्यादा तो नहीं बोलना आता है क्योंकि क्रिएटिविटी मुझे आती नहीं है लेकिन मुझे एक बात बोलनी है संदीप के लिए कि इतने पैसे में संदीप ने पिक्चर बनाई है मुझे नहीं लगता मैंने आज तक कैसी इतने रुपये वाली फिल्म देखी है बट सर प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है तो फिर इसीलिए <laughs> oh <laughs> आपको सफेद देखने के बाद इसके रशेज देखने के बाद अगर एक शब्द मन में आता है तो वो क्या है ये मतलब मुझे लगता है कि ये अभी जैसे जी फाइव पे प्रीमियर हो रहा है तो ये की नंबर वन फिल्म हो जाएगी महीने के के अंदर। बारे में कुछ कहना है आपको संदीप जी के बारे में बोला ना मैंने इतने रुपए में ये फिल्म बना सकता <laughs> कोई नहीं बना सकता। थैंक यू सर थैंक यू सो मच फॉर हियर आनंद जी आई यू बीन सो बिजी विद सेवर टूडे विद एंड दिस आपके लिए ये खास क्यों है प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट मेरा विश्वास एक आदमी में जो है संदीप सिंह 25 साल से उसको जानता हूँ और हमारे गुजराती में एक बोलते हैं कि पत्थर माती पानी काटे एक आदमी जो पत्थर में से पानी निकाले ना उसका नाम है संदीप सिंह Beautiful. तो सफ़ेद ये प्रोडक्ट है जैसे गढ़ा साहब ने बताया वैसे मैं भी जब मैंने रशीस और वो सब देखे तो मुझे लगा था मैंने एक दिमाग में हूँ तो मैं अहमदाबाद से तो मुझे भी पता चलता है कि कितनी कॉस्ट होगी बट मैं भी बिलीव नहीं कर पाया जैसे गढ़ा साहब ने बताया वैसे ये खाली संदीप कर सकता है सो so, क्रिएटिविटी के साथ में कॉमर्स अगर मिक्स करना है तो वो संदीप का काम है thank you sandeep for making this uh, beautiful product i thank everyone here from the bottom of my heart aap log sab aaye aur itne dil se baatein ki i think we must begin our musical journey uh, okay someone's very emotional sandeep no no uh, सोनू जी ने कहा है कि मैं बोल दूं क्योंकि सोनू जी को भी जाना है विशाल जी को जाना पहले तो जयंती sir ने एक राज खोल दिया कि कितनी की फिल्म पहले मैं बता दूं कि ये फिल्म exactly पचास लाख रुपए की है और दस दिन इस फिल्म का बनारस में शूट हुआ और वो पचास लाख में तब बना चाहे वो अभय वर्मा हो चाहे वो जयंती लाल गाड़ा सर हों चाहे रेखा जी हों चाहे सोनू जी हों चाहे शशि हो चाहे तोसीफ़ हो मेघदीप हो, हो, हो जैसिम हो शैल हो मीरा बरखा छाया कदम जी जमील खान डी ओ पीज लाइट मैन फ़र माई स्पेशल लव फॉर दिस फिल्म इज़ समीर हलीम मेरे जितने असिस्टेंट्स यहाँ तक कि बनारस के लोकेशंस तक बहुत मेहनत से सब कुछ हमें फ्री मिला था एंड प्राइम फोकस और रियल टच ने मुझे फ्री में पोस्ट प्रोडक्शन करने दिया बैकग्राउंड जहान ने फ्री में किया तो किसी ने इनफैक्ट मैं ही बोझ बोझ था लोगों पे और ये मैं बता दूं कि आज तक मतलब सोनू जी ने मेरी मतलब मुझे पता नहीं कि इतने सालों में सोनू जी ने मेरे जर्नी को एक्चुअली में रेडियो में शुरुआत किया था उन्होंने उनको आज भी आज मैं बता देता हूं ये स्टेज पर कि मेरी पगार इनकी वजह से बढ़ी थी क्योंकि मुझे कहा गया था कि अगर सोनू जी का शो तुम कर लोगे रेडियो मिर्ची से मैं रेडियो सिटी में आया था रिमेंबर और म्यूज़िकले आज़म करके के कॉन्सेप्ट था मैंने दिया और बोला कि अगर सोनू जी इस पर होस्ट कर लें और उस समय मुझे लगता है कि सोनू जी के पास खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था तो वो अमरनाथ टावर में रहते थे और मैं गया और मैं बोला सोनू जी मुझे एक हेल्प चाहिए बोले बोलो मैं चाहता हूँ कि आप रेडियो पर शो होस्ट करें संदीप बिल्कुल टाइम नहीं है लेकिन मेरे को एक दिन का वक्त दो और फिर वो दूसरे दिन बोले कि ठीक है मैं लेकिन सुबह छः बजे आऊँगा रिकॉर्ड करने और सुबह छः बजे आते थे और एक भी बार आज तक कभी उन्होंने कमर्शियल बात नहीं किया रेखा जी ने भी कुछ नहीं ऋषि जो इतनी सारी फिल्में दिन भर लिखता है एक भी बार पैसे की बात शायद की <laughs> नहीं इसने भी किसी ने भी इस फिल्म पे पैसे क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है एंड थैंक यू अभय थैंक यू मीरा थैंक यू बरखा बरखा वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट इन लाइफ दैट टाइम एंड शी वॉज नॉट इन बॉम्बे एंड आई कॉल्ड हर एंड आई जस्ट टोल्ड हर कि बरखा आई आई एम स्टार्टिंग माई शूट और Uh, जो तुम्हारा रोल है राधा का वो uh, बहुत मुश्किल है मुझे मुझे कोई एक्टर नहीं मिल रहा है तो बोलती ओके आई टॉक टू यू टुमारो वो टुमारो ये था कि ये घर पे आ गई दिल्ली से सीधा मेरे और रीडिंग शुरू कर दिया इसने पर थैंक यू सो मच इस्माइल जी विशाल जी और सोनू जी आनंद जी जयंती सर ने तो पैसों की भी बात की पर थैंक यू सो मच दिल से मुझे आशीर्वाद और प्यार देने के लिए कमल भाई आपको देख के बहुत खुश हुई मुझे Thank you so much. Thank you, and I think let's begin this beautiful, beautiful gathering. Sonuji, please stay back on stage. All our esteemed guests, artists, please, please take your place. Or A picture. Okay, everyone. Could we all have a picture together? Sandeep, the mic. thank you everyone please take your seats i'd like sonuji to stay back as we're about to begin this beautiful musical launch with his beautiful vocals i know your voice you're not too keen but i definitely we can't not hear you today <clears throat> आई प्लीज रिक्वेस्ट द म्यूजिशियस टू कम एंड इंस्ट्रूमेंट्स सोनू जी आपका बहुत खूबसूरत गाना है हम सबको रोना आ गया आई नो आई नो आपकी आवाज शायद साथ नहीं दे रही हो आई 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 लास्क